नाम है घर का फैज़ अहमद और अपनी बरादरी में बोलते हैं शेख चांदनी, सब बोलते चांदनी गुरु चांदनी गुरु। हालात में गुजरते हैं, हमारा कोई अल्लाह के सिवा सुनने वाला भी कोई नहीं है। जो हमारे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनके पास हम तो पहले ही चले जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, कभी 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में हम भाग जाते हैं। हम अपना गुजारा खुद करते हैं, हम अपना पेट खुद पालते हैं, हमारा कोई नहीं अल्लाह के सिवा देखने वाला है। हाँ, जब से ही लॉकडाउन हुआ है, जब से बुरहान वानी का टाइम आ गया, तब से हम जो सीज़न था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हमको ना कमाने का कोई, ना मंजिमियारस करने को के लिए जाते हैं, कोई इस वक्त कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा कोई सुनता भी नहीं है। हम किसी का दरवाज़ा तो नहीं तोड़ सकते तो उसके घर के अंदर घुस जाते। अभी उस वक्त वो बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से है। हम तो इसीलिए घर में बैठे हैं, गुजारा करते हैं, जैसे मिलता रूखा सूखा वो खाते हैं, किसी के आगे नहीं हाथ फैलाते, किसी के आगे नहीं जाते झुकने के लिए अल्लाह के सिवा। और हम तो ऐसे हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते, बाहर की हमारी बरादरी देखो, किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है, वो उधर लेके जाता है 1,00,000 भी 50,000 भी। उन्होंने शादी होती है वो कि कोई कैंप लैकेज डालता है, कोई घर लेता है, बंगला लेता है, उसका भी लेता है बाहर के हिजड़ों को। हमको इधर कोई पूछने भी वाला नहीं है खुदा के सिवा। अब हमारे को गवर्नमेंट ने बोला हम देंगे 1,000,000 रुपया, उस 1,000,000 रुपया में आजकल क्या आएगा? वो 1,000 रुपया एक महीने के बाद हम कहाँ ले जाएगा? हम उसका कितने इतना वेट करेंगे, एक महीने से वेट करेंगे, हमको 1,000 रुपया गवर्नमेंट देगा, फिर हम 1,000 रुपये में क्या करेगा? हम किराया देंगे, हम बिजली का बिल देगा, हम अपना राशन पानी देगा, हम क्या करेंगे उस 1,000 रुपये में? बहुत बहुत अपील है गवर्नमेंट से हमारी तरफ से, हमारी भी सुनो। हम नहीं आसमान से उतर गए, वरना हमारे को भी हैं, हम भी जुलूस निकालेंगे, हम भी अब सड़क पे बैठेंगे, हम भी, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। गवर्नमेंट को सोचना होगा, हमारे को था मंजिमारसकार, उसमें बूढ़े औरतें जो घर में बैठा था वो भी उसी में घुस गया। हमारे को कोई नहीं पूछने वाले, तुम्हारे पास है हमारे को किसी ने दरवाजा खड़काया? हाँ, आप लोग खाते हो पीते हो, क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है? हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, हमारा कोई नहीं सुनने वाला अल्लाह के सिवा। क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? सरकार को हमको पूछना चाहिए पहले, जिनको जैसे सरकार करते हैं, जैसे हमको पहले दे दे एक एक ही कमरा दे दे किसी जगह, हम अपना गुजारा कर सकते हैं। हम पहले किराया होते हैं, हमको पहले किराया भाड़ा देना पड़ता है, कोई देता है कमरा कोई नहीं देता है। तुम ऐसे हो, तुम छक्के हो, नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे। हमको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, इनके पास है राशन के खाने पीने के लिए, हम नहीं बाहर के हिजड़ों की तरह नंगे होंगे वो करेंगे, हम मुसलमान हैं। हमको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हम भी ऐसे ताली बजाएंगे जैसे बाहर दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जम्मू ऐसे हिजड़े होते हैं, बदतमीज हिजड़े, हम नहीं वो बदतमीज। हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, हमारा सुनो। मेरा नाम असली तारिक अहमद है, जो हमारी बरादरी है ये बोलते हैं हमारे को ताहिरा जी। जी हम असली वो मिलमिन हैं, शादी करवाते हैं और शादियों पे जाते हैं गाना बजाने, हम ये काम करते हैं और उसके सिवा कोई काम नहीं है हमारे पास। हमारे पास और क्या काम हो सकता है? बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा हमारे को, बहुत 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 मुश्किलात हैं हमारे ऊपर, बहुत
बहुत जो यहाँ पे आज लॉकडाउन है, बहुत मुश्किलात है आज हमारे, जो हम आज अपने घरों में बैठते हैं, आज कहाँ पे निकलते हैं, कोई किसी घर में जाएगा वो बोलते नहीं हमारे को कुछ नहीं करना है, न शादी न कुछ गाना बजाना कुछ नहीं है, आज तो कोरोना वायरस है, हम आज घर पे ही बैठते हैं हमारे घर में। तो करीबन कितना टाइम हुआ आपको घर में बैठते हुए? जब तक ये कोरोना वायरस हो तब तक हम अपने ही घर में, जो पहले से भी हालात ख़राब थे पिछले साल उस टाइम में भी एक साल ही कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए, जो हमारे हुकूकात है, जो हमारे कुछ हमारे हुकूकात है हमारे को होना चाहिए, जो अगर आज वो जिसके घर में किसी मतलब लेडीज़ को घर वाल पति मर गया उन उसके भी लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पैसे दिया, हमारे लिए कुछ भी कुछ सोचना चाहिए, वो हमारे को भी हकूक है, हमारे हक हैं, जो हमारे हक में हम हमारे हक की बात कर रहे हैं, जो हमारे हक है, मतलब यहाँ पे आज लॉकडाउन है 5-6 महीना हो गया, कोई भी नहीं आया हमारे घर में, कुछ हैं राशन पानी कुछ भी नहीं है, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो मैं यहाँ पे भी उनको भी वेलकम करते, वो बेचारा आए हमारे घर में, ताहरा जी आपके घर में है वो पानी या कुछ चावल, मैंने बोला हाँ अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे पास है, मतलब हमारे और अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं है हमारे हमारे पास। सरकार ने कुछ स्कीम निकाली थी 1000 रुपया का, अच्छा वो एक स्कीम निकाला गवर्नमेंट ने, बोला हमारे ने मतलब एक स्कीम निकाला 1000 रुपये का, मगर वो 1000 रुपया भी नहीं लिया, किसी को भी नहीं लिया, जब वो 1000 रुपये में क्या आएगा, चावल आएगा, एक महीने दवाई आएगा, अगर कोई बीमार हो अगर आज हॉस्पिटल में जाओगे कितना पैसा लगता है हॉस्पिटल में, ये आपको भी सोचना चाहिए, क्या आएगा 1000 रुपया में, 1000 रुपया में कुछ भी नहीं आएगा। हमारी यही है मतलब DC साहब को ये अपील है, कुछ ना कुछ उनको भी सोचना चाहिए हमारे लिए, आज तो यहाँ पे कुछ काम नहीं, जब हम करते हैं रिश्ता आज सब जो बूढ़ा है घर में बैठा वो भी जाता है काम पे, कोई औरत में वो भी निकलता है उसी शादी करवाने में, हमारा काम सारा ख़राब हो गया, पहले से ही हो गया ख़राब, आज तो पहले भी ये जब कोई भी लड़का कोई भी लड़की है आज वो खुद भी करते हैं शादी, हमारा कुछ नहीं ज़रूरत है उन लोगों का, मगर कुछ ना कुछ चाहिए उनको सोचना चाहिए हमारे लिए है। वो अस्सलाम वालेकुम सभी सभी को मेरी तरफ़ से सलाम है, गवर्नमेंट को मेरी तरफ़ से सलाम है। तो मेरा नाम आज़म है, मेरी जो कम्युनिटी है वो मुझे इस नाम से जानती कि मेरा नाम आज़म है। तो जो हमारे जो फॉर्म्स दिए थे गवर्नमेंट ने 1000 रुपये की जो स्कीम निकाली थी वो फॉर्म हमारे पास है, हमने सबमिट करके रखे हैं, भरे भी हैं, मगर उसका कोई वहाँ पर रिएक्शन वहाँ से नहीं मिला है। तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ वो सोचे, जैसे कि किसी का पति मर जाता है तो वो उन लोगों के लिए फंड्स रखते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है उन लोगों ने। तो हम चाहते हैं आपके वसादत से, हम चाहते हैं कि हमारे जो हकूक है, जो हमारे राइट्स हैं, वो हमें मिलने चाहिए। और दूसरी ये बात है, जब हम जाते थे किसी के यहाँ पे कि दिल से वो हमारे दिल के ऊपर जगह करते थे, हमारी आँखों के ऊपर जगह करते थे कि आ जाओ हमारे यहाँ, हमारे घर में ऐसा है, फंक्शन है, कुछ है, कि आज तो वैसा कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि आज लॉकडाउन हो गया है, ऐसा वायरस निकल गया है, उनको छोड़ के हम डर जाते हैं कि हमारी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हमारे लिए भी वो कुछ सोचे, जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें नहीं पूछते हैं, हम भी हम जो हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो उस्ताद होते हैं, वही हमारे माँ बाप होते हैं, हम उनसे जाके बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, ऐसे हमारा गुजारा हो पाता है और हो जाता है। और जो हमारे कस्टमर्स होते थे, जो हमारे रिश्ते करवाते थे, वो भी हमारे ऊपर कुछ खास मेहरबान तो नहीं है, उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारे बस अपील है गवर्नमेंट से वो हमारे लिए कुछ सोचे। अब हम कमाते थे खुद, शादियों पे जाते, गाना बजाना करते थे और रिश्ते करवाते थे, हमें उससे गुजारा हो पाता था, अब वो भी बंद हो चुका है, आज सारे घर पे ही बैठे हुए हैं, अगर रिश्ते भी करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिलजुल के करते हैं कि हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। तो हम ये चाहते हैं हमारे भी कुछ गवर्नमेंट सोचे, अब जो काम था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट सोचता था कि हमारे पास काम है, हम गाने बजाने जाते थे, हम रिश्ते करवाते थे, वो वसाते थे, उन सोचते थे कि इनका गुजारा हो पाता है। जो एक सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ करते हैं वो ही हमारे साथ गवर्नमेंट ने किया है। तो हम आपकी वजह से तहे दिल से उनसे बोलते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ कीजिए।